समझ नहीं आ रहा उन कपड़ों का क्या करें, तो चलिए आज मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ कि कैसे आप अपने पुराने कपड़ों को स्टाइल कर सकते हैं और उन कपड़ों को भी पहन सकते हैं जो वाटर में कहीं किनारे पे पड़े हुए थे। लाइक कभी हम हनीमून पे गए थे तो हमारी कुछ शॉर्ट ड्रेसेस थी जिन्हें हम दोबारा घर में नहीं पहनते हैं बिकॉज ऑफ सम ऑकवर्डनेस, और कुछ ऐसे क्लोथ जो हम ट्रिप पे गए थे और दोबारा आके उन्हें नहीं पहन पा रहे हैं, या फिर हमारे हस्बैंड या बॉयफ्रेंड या फिर ब्रदर या फादर के कपड़ों को भी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में ना मैं आपको ऐसी ट्रिक्स और ऐसे हैक्स बताने वाली हूँ जिसके थ्रू आप सारे कपड़ों को बहुत इजी वे में पहन सकते हो। जितने भी क्लोथ्स आपके वार्डरोब में ऐसे ही पड़े हुए थे ना, आप वो सारे यूज़ होने वाले हैं। तो इट्स टाइम कि आप उन सबको निकाल लें और मेरे साथ उन कपड़ों को लेके बैठे। तो मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन क्लोथ की कैसे आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग हम लेते हैं क्या लिया जाए, एंड यस अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो यार फटाफट कर लो, मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आने वाली हूँ इस चैनल पे। आना अगर कर दिया है तो उसके लिए थैंक यू, एंड यस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी कुछ स्कर्ट्स हैं जब मैं अनमैरिड थी वो तब मेरे पास थी, मैं तब उनको पहनती थी, बट अब थोड़ा सा ऑकवर्डनेस लगती है। ज़्यादा ज़्यादा क्या होता है, मैं कभी कभी घर में पहन लेती हूँ बट मैं बाहर नहीं पहन पाती। तो मैंने सोचा उनको किसी और वे में स्टाइल किया जाए, और वही स्टाइल मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ कि कैसे आप अपनी स्कर्ट को, मेरी वो स्कर्ट बहुत टाइम पहले की है, मीन्स शादी से पहले की स्कर्ट है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं उसे थ्रो आउट नहीं कर पाई, इसलिए वो मेरे पास अभी तक रखी हुई है। और उसका हैक कि उसको आप किस तरह से पहन सकते हो, तो गाइज ये है मेरी वो स्कर्ट जिसको मैं शादी से पहले बहुत ज़्यादा पहनती थी, बट अब यानी मेरे वॉटर में ऐसी पड़ी रहती थी, बट मैंने अब उसको एक डिफरेंट वे में स्टाइल करना स्टार्ट किया है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए आप सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी वाइट जीन्स है, स्पेशली मैं आज जो आपके साथ सारा वीडियो लेकर आई हूँ वो एक सिर्फ सिंगल वाइट जीन्स पे आप किस तरह से इन सारे क्लोथ्स को स्टाइल कर सकते हो मैं वो बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको स्कर्ट बताती हूँ कि आप स्कर्ट को किस तरह से स्टाइल कर सकते हो। तो स्कर्ट को स्टाइल करने के लिए सबसे पहले आप नॉर्मल एक वाइट जीन्स पहन सकते हो ब्लैक इन द पिंक, और व्हाइट जीन्स के ऊपर आप इसको एज अ टॉप पहन सकते हो, ट्यूब टॉप पहन सकते हो। अगर आप इसको सिंपल एज अ ट्यूब टॉप पहन सकते हैं, अगर आप फ्रैंक हैं ट्यूब टॉप पहनने में तो आप इसको एज अ ट्यूब टॉप भी कैरी कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन पुट अ बेल्ट, आप इसके ऊपर एक बेल्ट लगा सकते हैं, और ऊपर से एक जैकेट कैरी कर सकते हैं लाइक इन दिस पिक। एक बार ट्राई करके देखो फिर मुझसे कहना, अगर ना पसंद आया तो मुझे अनसब्सक्राइब कर देना। सो गाइस ये है एक बहुत बढ़िया तरीका आपके स्कर्ट को दोबारा से रीयूज करने का, जो अभी तक ऐसे वॉटर में पड़ी हुई थी, आप उसको ट्राई करके देखो। एंड सेकेंड है कि हम सबके पास ना कोई शॉर्ट ड्रेस ज़रूर होती है, बट उसका भी यूज़ हमारा कम ही होता है, या तो हम क्लब वगैरह गए डिस्को वगैरह गए तो ही हम उसको पहनते हैं। लाइक मी, मेरी तरह से जो भी गर्ल्स एंड लेडीज़ हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ, अगर आप डेली पहनते हैं तो वेरी गुड, बट मैं डेली नहीं पहन पाती हूँ ऐसी स्कर्ट ऐसी वन पीस ड्रेसेस को। मैं इनको ज़्यादातर कभी ट्रिप वगैरह पे जाती हूँ तो पहनती हूँ, या फिर कभी डिस्क एंड क्लब वगैरह जाती हूँ तो पहनती हूँ। तो इस तरह की ड्रेसेस लाइक ये वाली जो रेड कलर की ड्रेस है, ये मैं जब गोवा गई थी, गोवा जाने से पहले मैंने इसको परचेज़ किया था, और ये मेरी अभी तक ऐसी पड़ी क्योंकि आप लोग सभी आजकल तो ऐसा ट्रेंड सा हो गया, एक दो बार से ज़्यादा ड्रेसेस को पहनते नहीं है तो वो ऐसी रखी रहती है, तो ये भी मेरी ऐसी रखी हुई थी। उस ट्रिप के बाद मैंने इसको दोबारा कभी नहीं पहना, बट अब मैंने इसको दोबारा डिफरेंट वे में स्टाइल करना शुरू किया है। तो ये एक वन पीस ड्रेस है। अब आपको वन पीस लगेगा कि यार वन पीस ड्रेस को हम डालें कैसे, इसको तो सिर्फ हम ऐसे ही डाल सकते हैं, नो, इसे हम वाइट जीन्स के साथ कैरी कर सकते हैं। पहले आप इसको फुल ऑन पहन लीजिए एज अ टॉप, टॉप को पहनने के बाद आप इस पर एक जैकेट कैरी करिए। जैकेट के लिए मैंने यूज़ किया है अपने कुर्ते को, बटन वाला वो कुर्ता है तो मैंने उसके बटन्स ओपन कर दिए हैं, खुले रखे हैं और उसे खुले ऐसे ही यूज़ किया है। उसके ऊपर मैंने यूज़ किया एक सिल्वर ज्वेलरी विथ सिल्वर इयर रिंग्स जिससे उसका लुक बहुत अच्छा इन्हेंस होकर आया है। तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप कभी भी किसी भी ड्रेस को जब कैरी करते हैं, आप किसी भी ड्रेस को जब पहनते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप उसके साथ किस तरह की ज्वेलरी कैरी कर रहे हैं, आप उसे किस तरह से, क्योंकि ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा रोल होता है एक ड्रेस को अच्छे से शो करने। नाउ थर्ड जो मैंने यूज़ किया है वो यूज़ किया है ये कुर्ता भी मेरा काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था क्योंकि मैं थोड़ी फैटी फैटी हो गई थी और इस कुर्ते को प्रॉपर पहन नहीं पा रही थी। तो इस कुर्ते को भी आप जींस के ऊपर यूज़ कर सकते हो, नॉर्मली ऐसे ही नहीं, या तो आप ऐसे ही डाल लो, इसको नॉर्मली आप जींस पे एज अ कुर्ता डालिए और कुर्ते के ऊपर आप इस बेल्ट को लगा लें, बहुत ही अच्छा लुक आएगा। टमी
टमी एरिया कुछ हाइड करना है आपको, तो मैंने उसके लिए अपना यूज़ किया है एक शर्ट टॉप जो मेरे पास रखा हुआ था। ये गाइस ये बीच में बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड में था गाइस, इस तरह का टॉप ये बीच में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चले थे इस तरह के टॉप पूरे। तो इससे अगर आप पहनते हैं तो इससे पूरी तरह से आपका टमी एरिया हाइड हो जाता है। और गाइस होता क्या ना, हम पुराने कपड़ों को एक ही तरह से कपड़ों को पहन पहन के बोर हो जाते हैं। अगर हमने डिफरेंट डिफरेंट वे में पहने था ना तो बोर होंगे ना ये लगेगा कि हमारे पास कपड़े नहीं हैं। तो मेरा तो फंडा ये है कि जितना हो सके पुराने कपड़ों को यूज़ किया। सो गाइस ये मेरी स्पैगेटी, इसका भी मैंने एक लुक क्रिएट किया है। इसमें मैंने क्या किया है कि स्पैगेटी को यूज़ किया है, स्पैगेटी के ऊपर मैंने यूज़ किया है स्टॉल का, स्टॉल को मैंने जस्ट अपने गले में डाला है और उसके ऊपर मैंने बेल्ट लगाई है और बहुत अच्छा टॉप बनकर आया है। आप भी इस लुक को ट्राई करें, बहुत अच्छा लगेगा। अगर इफ़ यू आर अ कॉलेज गोइंग गर्ल तो बहुत अच्छा लुक निकल के आता है। टमी आपके टमी एरिया को हाइड करता है और आपका स्पैगेटी एज अ टॉप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था मेरा थर्ड लुक जो मैंने स्पैगेटी को टॉप में कन्वर्ट किया है। गाइस देखिए मेरे हस्बैंड की शर्ट है जिसका मैंने यूज़ किया है। इसको मैंने नॉर्मली जैसे आप शर्ट पहनते हैं तो वैसे मैंने पहना है। शर्ट पहनेंगे आप अपने हस्बैंड की, बॉयफ्रेंड की, ब्रदर की या फादर की तो बहुत लूज होगी आपको, मुझे भी बहुत लूज थी। तो उसके ऊपर मैंने क्या किया, बेल्ट को लगा लिया। बेल्ट लगाने के बाद उसका एक डिफरेंट लुक आया, एक ऐसा होता है ना लॉन्ग कुर्ता टाइप शर्ट, तो वो उस तरह की लग रही थी। तो ये भी पहन के आप कहीं भी जा सकते हैं, बहुत स्मार्ट लुक लगेगा और इसको आप कहीं भी इजीली कैरी कर सकते हैं। गाइस जितने भी लुक मैंने आज आप लोगों के साथ बताए हैं वो सारे मैंने एक ही जीन्स पे स्टाइल किए हैं, वाइट जीन्स पे मैंने सारे लुक को क्रिएट किया है। और ये मेरा इसलिए था कि आप एक जीन्स के साथ कितने सारे लुक को क्रिएट कर सकते हो, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही जीन्स का यूज़ किया है और जीन्स का यूज़ नहीं किया, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि एक जीन्स के साथ हम कितने लुक्स को स्टाइल, कितने लुक को क्रिएट कर सकते हैं, कितने ड्रेसेस को स्टाइल कर सकते हैं और कितने डिफरेंट वे में स्टाइल कर सकते हैं। तो ये मेरा आज का वीडियो, अगर पसंद आया है तो लुक को क्रिएट करिएगा, मेरे साथ पिक्चर शेयर करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। लव यू, बाय।